वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग ट्विंकल, आदित्य, सुचित्रा, दीपक, ऋषि, स्वाति। जस्ट वन ऑफ यू लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड यस गुड इवनिंग इंदिरा। वन ऑफ यू लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड वेदर द स्क्रीन इज विजिबल टू यू सो दैट वी कैन बिगिन विद द सेशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, एवरीथिंग इज गुड, वी आर रेडी टू स्टार्ट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। तो वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स टिल नाउ। लास्ट जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, इट वॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो हमने वी हैव डिस्कस्ड 5 इंडियन AS विच आर देयर इन द सिलेबस। Now I'll start with the cash flow statement. Yes, so this is the information about the classes. ये तो आपको पता ही है। So in today's session we are going to cover all these topics in cash flow statement. See, there is a accounting standard also for cash flow. Indian AS 7 is there for cash flow. तो but आपको standard नहीं पढ़ना है, okay? Because standard में काफी चीजें हैं, vast है। तो मैं स्टैंडर्ड में से ही कुछ कंटेंट लेके और थोड़ा अदर सोर्सेस से लेके मैंने बनाया है। तो हो सकता है आज के सेशन में कंप्लीट ना हो पाए, सो आई थिंक इट वुड टेक मंडे आल्सो। सो टुडे एंड मंडे, आई थिंक मंडे को हम कंप्लीट कर देंगे इसको, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम डेफिनेशन वी विल हैव अ लुक एट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। Then operating, there are 3 types of activities in a cash flow statement: operating, investing and financing. So we will discuss all these 3 activities in detail. हम इनके inflows देखेंगे, इनके outflows देखेंगे, okay? Then after that there are 2 methods for operating activities. अगर आपको operating activities के cash flow निकालने हैं, ठीक है? So there are 2 ways. One is called direct method and one is called indirect method. तो देखते हैं आज हम कितना cover कर पाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस रहेंगी, बट वो आज नहीं करेंगे, वो हम मंडे को करेंगे। पहले आज हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस और कुछ इलस्ट्रेशंस जो रहेंगी वो मंडे को भी हम कर सकते हैं। चलिए, स्टार्टिंग विद द मीनिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है आपकी? इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। जैसे कि आपकी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, और यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज यूज फॉर एनालिसिस। एनालिसिस पर्पज के लिए यूज होती है वो। बेसिकली होते क्या है, अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट हाउ कैश इज जनरेटेड बाय एन एंटिटी, ठीक है। कैश कैसे जनरेट हो रहा है, कहां से जनरेट हो रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज, और खर्चा कहां हो रहा है, एंड हाउ इट इज अप्लाइड, कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं, कहां कहां खर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ कैश की ही बात होती है, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम नहीं देखते हैं, ओनली कैश एक्सपेंसेस एंड कैश इनकम, उसी की बात होगी, ठीक है, सिंपल है। तो देन इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये एक पीरियड स्टेटमेंट है। पीरियड मतलब इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, 1 मंथ, 6 मंथ, व्हाटएवर, जनरली 1 ईयर के लिए बनाते हैं। सो इट इज अ पीरियड स्टेटमेंट। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो भी एक पीरियड स्टेटमेंट ही होता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट जो हमारी होती है वो एक पॉइंट स्टेटमेंट होती है। अब आप बोलोगे कि वो भी तो हम एक साल के लिए बनाते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट स्टेटमेंट है, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी पोजिशन बता रही है। फर्क समझो, इसका फर्क समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स अगर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो। तो जो पीरियड स्टेटमेंट है, कैश फ्लो हो जाए आपकी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाए, उनको हम बोलते हैं फ्लो, या फिर उसको हम बोलते हैं पीरियड स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन बात करेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में आपका आ गया पॉइंट स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्वाति, कैश बुक अलग है और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है। देखो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। हम क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंसिंग, इन्वेस्ट, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन कैश बुक में आप ऐसा कोई क्लासिफिकेशन
नहीं करते हो एंड मोर ओवर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन अ टी शेप, वो एक टी शेप में होती है डेबिट साइड क्रेडिट साइड है ना, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ऐसा कोई टी शेप अकाउंट नहीं बनाते हो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस, मतलब अगर मैं आपको पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक यू नो ब्रीफ में बता दूं क्या है क्या वो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब कैश तो हो ही गया और जो ऐसा जो आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जो कैश के बराबर ही है, कैश के बराबर मतलब कि उसको मतलब बेचने जाओगे तो हाथों हाथ कैश मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में इनफ्लोज कैश इनफ्लोज प्लस करते हैं, कैश आउटफ्लोज माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो स्टेटमेंट यही है बस, मतलब बनेगी वो वर्टिकली, इट इज अ वर्टिकल स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन जो उसका क्रक्स है वो यही है, ओपनिंग बैलेंस प्लस इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, ये पूरी जो कैलकुलेशन होगी वो क्लोजिंग बैलेंस से मैच करनी चाहिए। मैच नहीं कर रही है इसका मतलब कुछ गलती करी आपने, वो हमेशा मैच करनी चाहिए। तो एक तरीके से चेक भी हो जाता है कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया कि नहीं बनाया। अब ऑब्वियसली आपका एमसीक्यू पेपर है तो आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, तो फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, हालांकि हम डिस्कस करेंगे मंडे को थोड़ा सा फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एज सच वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन असेसिंग अ कंपनीज। अब बेनिफिट क्या, एक छोटा सा बेनिफिट बता दिया कि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एज अ इन्वेस्टर, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसकी सॉल्वेंसी कैसी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स कैसी है, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। एज एन इन्वेस्टर यू वुड लाइक टू सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें आपको पता लगती हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत एसेट्स हो, ठीक है, प्रॉफिट भी हो, प्रॉफिट भी कमा रही हो, लेकिन उसके पास सफिशियंट कैश ही नहीं है। मतलब अब ऐसा हो सकता है कि कुछ कंटिजेंसी आ जाए, उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ जाए, लेकिन उसके पास तो है ही नहीं कैश अवेलेबल, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क इंडिकेटर है कि भाई कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो काफी सारी बातें हैं इसमें। अब बात करते हैं कि हम बनाते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनानी क्यों है भाई, ठीक है। देखो जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो तो जनरली नहीं भी बनाते, मतलब वो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस बनाए और बैलेंस शीट ही बनाए, लेकिन कंपनीज को बनाना जरूरी है, दे हैव टू मैंडेटरीली प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और इंडियन एएस 7 को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो भी पिछले एक साल में चेंज आया है उसमें क्या रीजन है, चेंज क्यों आया, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैश, ठीक है। देन असेस एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि क्या कंपनी की एबिलिटी है, क्या वो जनरेट कर पा रही है सफिशियंट कैश। हो सकता है ना कंपनी बहुत बड़ी हो, बहुत एसेट्स हो, लेकिन कैश ही जनरेट नहीं कर पा रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, ठीक है। देन टू अंडरस्टैंड टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ देयर जनरेशन, कि टाइमिंग क्या है, मतलब कैश जो जनरेट हो रहा है मंथली बेसिस पे हो रहा है कि कब आता है कैश, ठीक है, एक साइकिल है कि नहीं है, और सर्टेनिटी कितनी है कि ऐसा तो नहीं है कि कैश आ ही नहीं रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी को, बैड डेट्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट। आफ्टर दैट मूविंग ऑन, बेनिफिट्स क्या है अब, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस तो देख लिया आपने, ठीक है। अच्छा गाइस, कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझे रोक सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, यू हैव द चैट बॉक्स ऑप्शन अवेलेबल, आप चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख दो, आई विल देन एंड देयर आंसर योर डाउट, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों है, उसके बेनिफिट्स देख लो। ये पांच मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं, पांच इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, बट ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई बेनिफिट है ही नहीं, देयर कैन बी मोर बेनिफिट्स ऑल्सो। आई हैव मेंशनड सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो, लाइक नंबर वन, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इनेबलिंग इवेल्युएशन ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें पता लगता है कि हमारे एसेट्स में नेट चेंज क्या आ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है, बिकॉज अभी मैं बात करूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, अभी मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, वहां से आपको पता लगेगा कि ये जो मैंने एसेट्स वाली बात लिखी है या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कि कितना आपका जो बैलेंस शीट है उसमें कितनी इक्विटी है, कितना डेट है, मतलब आपकी जो कैपिटल है उसमें कितना पोर्शन इक्विटी का है, कितना पोर्शन डेट का है, ठीक है।
देन असेस द एबिलिटी टू मैनेज द कैश सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, की कंपनी की हमें एबिलिटी पता चल जाती है मैनेज की कैश मैनेज कर पा रहे हैं हम, सही से मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एज अ मैनेजमेंट एज अ मैनेजर कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैश मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। ठीक है, असेस एंड कंपेयर पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, व्हाट इज पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये भी पता लगेगा कि फ्यूचर में हमें कितने कैश आने वाले हैं, मतलब बेसिकली एक आइडिया लग जाता है आपको, यू गेट सम आइडिया कि अगर पिछले साल में हमने ऐसे कैश जनरेट करा है तो फ्यूचर में भी हम, हो सकता है सिमिलरली इसी पैटर्न पे हमें कैश मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमने इन द प्रीवियस ईयर वी हैव रिसीव्ड कैश, ये हमारी टाइमिंग थी, दीज वर द सर्टेनिटीज। ठीक है, तो उस तरीके से फ्यूचर का आइडिया लगता है, और फ्यूचर का आइडिया लगेगा तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाओगे। थोड़ा सा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू, तो फाइनेंस में इसको और आप लोग कवर करोगे जब फाइनेंस आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फाइनेंस मैं नहीं लूंगा ऑब्वियसली। देन कंपेयर्स एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है, कि डिफरेंट एंटिटीज को कंपेयर भी कर पाओगे। हो सकता है कोई एंटिटी अपने कैश को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर लियो। देखो ऐसा होना चाहिए, कैश की अगर मैं बात करूं, ना तो आपके पास कैश बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आइडल कैश पड़ा होगा तो आप उस कैश में कुछ भी इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे, आपके लिए वो लॉस है। बहुत सारा कैश पड़ा है बिजनेस में लेकिन वो पड़ा हुआ है, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रखा, घर में पैसा पड़ा हुआ है आपके, फॉर एग्जांपल बैंक में भी नहीं लगाया आपने, एफडी भी नहीं कराई, तो वो वेस्ट है ना, इट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। तो कैश बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना होता है। और यही ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री के लिए भी है कि आपके बिजनेस में आपके पास ना तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो और ना ही बहुत कम हो। बहुत ज्यादा होगी तो आपके फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे, और बहुत कम होगी तो कोई ऑर्डर आया आप ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, रनिंग अ बिजनेस इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, तो कंपेयर एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, देन यूजफुल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। ठीक है, और एक और बेनिफिट क्या है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हो और कैश बजट भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बट हो सकता है इनडायरेक्टली भी ये चीजें आपको हेल्प करती हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अच्छा आज मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है, मैंने चार पीडीएफ अपलोड करे हैं। सो आप अपने सेबी लाइफ कोर्स के, आपने देखा भी होगा शायद, एक सेक्शन क्रिएट किया है इंडेक्स का, तो उसमें आई विल बी टीचिंग यू फोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, छह सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेबी में, चार सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, मैनेजमेंट पढ़ाएंगी आपको पारुल मैम, आज उनका आई थिंक फर्स्ट लेक्चर था, स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, सुबह उनकी क्लास सुबह होती है 8 बजे, ठीक है ना, 8 से 9। और फाइनेंस का भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे एक बार, क्योंकि अभी सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो अभी हमारे पास टाइम है तो फाइनेंस हम थोड़ा सा रुक के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चार सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चारों के चारों सब्जेक्ट के मैंने इंडेक्स डाल दिए और उस इंडेक्स की एक वीडियो बनाई है, पहले वीडियो को देखना। वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हमने सिलेबस को डिवाइड करा है, कैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उससे काफी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए इसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो सभी को पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करूंगा कैश की, बिकॉज इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे इन डेफिनेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल कैश, कैश की डेफिनेशन क्या है, जो स्टैंडर्ड ने भी दी है और जो हर बुक में मिलेगी आपको, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, दो चीजें हैं, कैश इन हैंड नंबर वन एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। देखो बैंक में जो आप पैसा जमा कराते हो, या तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट या फिर वो होता है टाइम डिपॉजिट। मतलब क्या हुआ दोनों में, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी। एग्जांपल क्या है, टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल है एफडी, मतलब आपने अगर 5 साल की एफडी कराई है तो 5 साल से पहले वो पैसा आप बैंक से नहीं मांग सकते, मांगोगे तो कुछ पेनल्टी लगेगी। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्या है, आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आप जब चाहो पैसा निकाल लो। तो यहां पे मैं एफडी की बात नहीं कर रहा, कैश का मतलब क्या है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, आपका सेविंग्स खाता हो गया या करंट अकाउंट हो गया जो भी, तो वो ठीक है। देन कैश इक्विवेलेंट, अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से समझना, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप मार्केट में जाओ उसको तुरंत बेच पाओ,
जनरली एक हम बोलते हैं विद इन थ्री मंथ्स, मैक्सिमम थ्री मंथ्स की उसकी मतलब वो हो सकती है लिक्विडेशन, मतलब तीन महीने के अंदर अंदर उसकी वो नीचे लाइफ मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो मार्केट में जाओ आप उसको तुरंत बेच पाओ, उसको बोलते हैं हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। अभी कैश इक्विवेलेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर स्लाइड, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो काफी नए नाम भी दिख रहे हैं मुझे आज, निकिता, अर्चना, आई डोंट नो अगर आप लोग थे पहले, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं कुछ नाम, सो वेलकम ऑल ऑफ यू, जो भी अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो मोस्ट वेलकम टू द सेशन। तो अभी तो आप लोग लाइव सेशन तो लिया ही करो, जो भी बैकलॉग आपका है जो प्रीवियस सेशन नहीं लिए हैं उनको भी आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर लो, ताकि आप लोग सबके साथ आ जाओ, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट, तो शॉर्ट टर्म, सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान से देखना, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ओके, दैट आर रेडिली, रेडिली मतलब इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको बेचने में। मार्केट में जाओगे, चाहे वो आपकी मनी मार्केट हो, जो भी मार्केट हो, रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोन अमाउंट, अमाउंट फिक्स है, ऐसा नहीं है कि अनसर्टेनिटी है कितना पैसा मिलेगा, शेयर नहीं है ये, शेयर की बात नहीं कर रहे, नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज, वही बात कर रहे हैं कि रिस्क नहीं होना चाहिए उसकी, कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, रिस्क हो भी तो बहुत ही माइन्यूट, ठीक है ना। तो ये है डेफिनेशन कैश इक्विवेलेंट, अभी इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज कैश फ्लो, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश की बात नहीं कर रही, ध्यान रखना कैश की भी बात करती है और कैश इक्विवेलेंट की भी, दोनों की ही रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक तरीके से चंचल लिक्विड एसेट्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, ठीक है। लिक्विड एसेट्स भी मतलब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लिक्विड एसेट में तो आपकी और भी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज करा है लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एसेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, टर्म डिपॉजिट नहीं आएगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ प्रवीणा, टर्म डिपॉजिट जो है इट इज लाइक एन एफडी, तो वो आपका ना ही कैश में आएगा ना ही कैश इक्विवेलेंट में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। देखो एफडी भी क्या होता है ना, एफडी का भी एक मिनिमम टर्म होता है, उससे पहले आप उसको बेच नहीं सकते, बट ये कैश इक्विवेलेंट वो चीज है जिसको आप बेच भी सकते हो, आप मार्केट में जाके, इसका मतलब है कि आप जब चाहो उसको बेच के पैसा ले लो, इतना ईजी होना चाहिए प्रोसेस कन्वर्जन का, ठीक है ना। तो टर्म डिपॉजिट भी नहीं आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अब ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। देखो, वी क्लासीफाई ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन टू दीज थ्री कैटेगरीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पज के लिए हम इन तीन ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसको ब्रीफ में समझ लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ध्यान से समझना, जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, ये आप याद रख लो, क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट, और जो एक्टिविटीज हो जो ना ही इन्वेस्टिंग हो और ना ही फाइनेंसिंग हो, मतलब ये तो थोड़ा सा एब्सर्ड है कि ये ऐसा बोल दिया इन्होंने, बट ठीक है चलो, मेन आपको याद रखना है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। देखो कैश रिसीवेबल की बात कर रहे हो आप, कैश रिसीवेबल क्या हो गया, आपका करंट एसेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल या जो आपके डेटर्स हो गए, ठीक है ना। कैश रिसीवेबल आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, लेकिन वो, फिर मैं वही कह रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो करंट एसेट है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये फर्क ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ध्यान से देखना, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली बोल दिया, कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और जो भी इन्वेस्टमेंट जिसको आप कैश इक्विवेलेंट में नहीं डालते हो, ठीक है ना, वो सब जाएगा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको बोला प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी आप जिस भी गुड में डील करते हो, जिस भी गुड या सर्विस में डील करते हो, उसकी जो परचेज है, उसकी जो सेल है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन है, वो सारा ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। यस, एक्टिविटीज विच जनरेट रेवेन्यू, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड बाय स्वाति। नाउ नेक्स्ट एंड द फाइनल एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस के लिए आप जो भी पैसा लेते हो, इक्विटी के फॉर्म में लेते हो, डेट के फॉर्म में लेते हो, नाम से पता लग रहा है, वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटिटी। क्या है? एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी, इक्विटी और बोरोइंग्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो आ जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएंगी ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज, ये और क्लियर हो जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके, ठीक है। तो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो, और सब कुछ क्लियर है तो भी आप बता सकते हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स दैट एवरीथिंग इज क्लियर, आप क्लियर लिख दो बस, क्लियर, तो पता चल जाएगा सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि कैश इक्विवेलेंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पर्पस, पर्पस मतलब कैश इक्विवेलेंट का पर्पस क्या है, कैश इक्विवेलेंट आप अपने बिजनेस में रखते क्यों हो, मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, आप बहुत ज्यादा कैश नहीं रखोगे क्योंकि कैश में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, कोई इनकम नहीं होती, तो आप क्या करोगे, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा लगा दोगे। उससे क्या होगा कि जब भी पैसा चाहिए आपने निकाल लिया, ठीक है, और जब पैसा एक्स्ट्रा है तो आपने लगा दिया। तो मनी मार्केट में जैसे पैसा आप लगा देते हैं, मनी मार्केट थोड़ी सी लिक्विड होती है, या और भी कोई आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपको पता है आप जब चाहो पैसा उसमें से निकाल लोगे, जब चाहो डाल दोगे, जब चाहो उसमें से पैसा निकाल दोगे, ठीक है। देन कैश अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन, अभी ध्यान से पढ़ना, कैश अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, अमाउंट नोन होनी चाहिए, जो भी आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस आपको पता होना चाहिए मुझे कितना पैसा मिलेगा जब मैं उसको बेचूंगा, ऐसा नहीं कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मैंने आपको बता दिया उसकी वैल्यू में रिस्क नहीं होना चाहिए कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से 3 months और लेस, मैंने बताया ना शॉर्ट मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने या उससे कम की मैच्योरिटी उसकी होनी चाहिए, लॉन्ग मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अदर एक्टिविटीज, तो ये आप आई थिंक प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहे हो, इसमें अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं, इंदिरा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, ठीक है, ये एक फीचर हो गया कैश इक्विवेलेंट का। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड, जनरली एक्सक्लूड होती हैं, ठीक है, बिकॉज उनकी अनसर्टेनिटी होती है वैल्यू में, ठीक है। देखो इक्विटी की कोई मैच्योरिटी तो है ही नहीं, इक्विटी तो आप जब चाहो बेच दो, मतलब एज सच उसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, लेकिन जनरली इक्विटी को हम एक्सक्लूड करते हैं, इट इज एक्सक्लूडेड बिकॉज उसकी वैल्यू काफी चेंज होती है, सर्टेनिटी नहीं होती। देन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी आपके कैश इक्विवेलेंट में ही आते हैं, तो कई बार हम ये गलती करते हैं, हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये आपका कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल कम अंडर कैश इक्विवेलेंट, जनरली इसमें ही आता है। एंड कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कैश मैनेजमेंट हर कोई करता है, एवरी कंपनी, एवरी हाउस होल्ड सब करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट, मैंने आपको बताया ना, खाली कैश अपने पास पड़ा हो घर पे, आप घर पे भी नहीं रखोगे ना, आप कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे ऑब्वियसली, तो वही बात है कैश मैनेजमेंट। अब इंदिरा ने एक डाउट पूछा था, उसको देख लेते हैं। एंड अदर एक्टिविटीज कहां लिखा है, एक बार देखते हैं। यस, तो एंड का मतलब यहां पे है अदर एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना हो। देखो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी तो आई जाएंगी सारी की सारी, अब बाकी जो भी बची हुई एक्टिविटी है ना, वो इन्वेस्टिंग में जा रही है ना वो फाइनेंसिंग में जा रही है, तो उसको कहीं तो डालोगे, उसको कहां डालोगे, उसको आप ऑपरेटिंग में डाल दोगे, ये मतलब है यहां पे, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन इंदिरा, ठीक है। तो अब हम ये जो तीनों एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, इनको अब हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज, ओके, ऑफ ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज,
विल स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अगर आपने देखी होगी, आपने फॉर्मेट या उसका परफॉर्मा देखा होगा, तो सीक्वेंस यही रहता है, सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग, सेकेंड आता है इन्वेस्टिंग एंड थर्ड आता है फाइनेंसिंग, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी इसी ऑर्डर में गिवन होता है। सो विल स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बात करेंगे कैश इनफ्लोस, सबसे पहले कैश इनफ्लोस की बात करते हैं। सो द वेरी बेसिक कैश इनफ्लोस सबको पता ही होगा, दैट इज कैश सेल्स, सेल्स ऑफ गुड और सेल्स ऑफ सर्विस, वट एवर, बट वो कैश सेल होनी चाहिए। नॉन कैश आइटम्स तो आते ही नहीं है कैश फ्लो में, पता ही आपको। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस एंड कमीशन, ठीक है। रॉयल्टी से कुछ पैसा आ रहा हो, फीस हो, कोई कमीशन हो, ये भी आपका रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में ही आता है, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, दीज आर कैश इनफ्लोस विच विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या होता है, जो वो प्रीमियम उसको मिलता है वो कैश इनफ्लो है, जो क्लेम वो देता है वो कैश आउटफ्लो है, एन्यूटी, अदर पॉलिसी बेनिफिट्स, तो ये सारी चीजें उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर आएंगी, मतलब बेसिक ही था ये, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, बट स्टैंडर्ड में मेंशन था तो मैंने आपको बता दिया फॉर इंफॉर्मेशन। चलिए, तो ये हो गई कैश इनफ्लोस। अब बात करें कैश आउटफ्लोस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लोस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द आउटफ्लोस। तो जनरली इनफ्लोज और आउटफ्लोज जनरली ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, आप खुद भी मतलब निकाल सकते हो। जैसे कि कैश परचेज हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और ट्रेडर हो तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड, ओके। देन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, पेमेंट करी आपने अपने सप्लायर्स को। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वेजेस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो तो वो भी तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, सैलरी पे कर रहे हो। देन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अब इनकम भी आप क्यों पे करते हो, क्योंकि आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, तो ये भी आपका कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। देखो टैक्स में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा उस पर कोई टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको उस पर गेन हुआ, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन हुआ, उस पर टैक्स दे रहे हो, तो वो वाला टैक्स फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। यहां मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की, तो ये फर्क समझना, ठीक है ना। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा बिफोर वी मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। हमें उससे पहले ये एक फर्क समझना पड़ेगा। देखो एक होती है फाइनेंशियल कंपनीज, एक होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में, आप लोग चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो इंदिरा जो सेल्स क्रेडिट पे हो रही है ना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ हम कैश परचेज, कैश सेल्स, इन्हीं की बात करते हैं, क्रेडिट वाली चीज कोई भी आती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वही बताया मैंने चंचल, जो टैक्स है स्पेसिफिकली अगर इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, तो इनकम टैक्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के टैक्सेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आप एसेट बेच रहे हो, कोई आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, उस एसेट को बेचा आपने, उसको 10 साल यूज करा, उसके बाद आपने उसको बेच दिया, उस पे आपको कोई बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, ठीक है, बुक वैल्यू से आपने ज्यादा प्राइस पे बेच दिया तो आपको कैपिटल गेन हो गया, तो उस पे जो टैक्स पे करोगे, कैपिटल गेन टैक्स जो पे करोगे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। बट जनरली इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चलना चाहिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में सिंपल सा डिफरेंस क्या है। अब फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हो गई, फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी है जो शेयर्स खरीदती है, शेयर्स बेचती है, यही काम करती है, ठीक है, शेयर्स में ट्रेड डीलिंग कर रही है वो, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करती है वो, उसका काम इन्वेस्टमेंट करने का ही है, जैसे कि आपकी
और डिफरेंट कंपनीज होती है, नॉन बैंक एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जैसे जो आपकी फाइनेंस देती हैं, आपको कार फाइनेंस देती हैं, अलग अलग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, तो ये होती हैं हमारी फाइनेंशियल कंपनीज। तो फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में थोड़ा डिफरेंस होता है। आप खुद सोचो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप यू आर अ शू मैन्युफैक्चरर, आप जूते, फॉर एग्जाम्पल आप बाटा, यू आर द ओनर ऑफ बाटा, ठीक है, तो आपका गुड क्या है, शू, फुटवेयर, शूज हो गए, स्लीपर्स हो गए, सैंडल हो गए, ठीक है। तो अगर आप कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ कंपनी, तो वो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, इट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसका काम ही यही है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है और उसके थ्रू पैसा कमाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, हेज फंड है, कुछ भी है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए तो वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, उसकी रोजी रोटी है। तो ऐसी कंपनी जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसका काम ही यही है, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। मतलब लॉजिकली सोचोगे तो सब चीजें सिंपल ही हैं, ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं होती है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो सारी चीजें अपने आप में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यस चंचल, फाइनेंस कंपनीज विच प्रोवाइड फाइनेंस फैसिलिटी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं फाइनेंस कंपनीज की, कोई बहुत बड़ा एरिया है ये भी। तो फाइनेंस कंपनी, ठीक है, गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, एग्जाम्पल दे दिया, लोन्स दे रहे हैं, ठीक है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ये सब उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो अब मैं फाइनेंशियल कंपनीज के लिए आपको बता रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। क्या हो गया, जैसे कि पहले इनफ्लोज देख लो, फिर आउटफ्लोज देख लो। इनफ्लोज में क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो शेयर खरीदोगे, या डिबेंचर खरीदोगे, या बॉन्ड खरीदोगे, तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो वो आपका कैश इनफ्लो हो गया, कैश इनफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही लोन्स एंड एडवांसेस, आपने कोई लोन दिया था, बिकॉज आप एक फाइनेंस कंपनी हो, आपने लोन दिया, आपको उस लोन की रीपेमेंट मिल गई, तो वो भी तो आपके लिए इनफ्लो है, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी कोई बेच दी, ये भी तो आपका काम ही है, सिक्योरिटी बेचोगे तो पैसा आएगा, तो ये भी आपका इनफ्लो हो गया, ठीक है। नहीं स्वाति, नॉन कैश में डील कर रहे हैं या कैश से बिजनेस कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, दैट इज नॉट द डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन ये होता है कि फाइनेंशियल कंपनी वो होती है हूज मेजर बिजनेस इज यू नो इन्वेस्टिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और इट विल गिव लोन्स, इट विल टेक लोन्स, ये उसका मेजर काम होता है, ठीक है, तो ये होती है फाइनेंशियल कंपनी। अब बात करेंगे व्हाट आर द कैश आउटफ्लोज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। सो इंटरेस्ट पेड इन कैश, अब इंटरेस्ट पे किया हो आपने, ठीक है ना, आप सिक्योरिटीज बेच भी तो रहे हो, यहाँ पे देखो आपने सिक्योरिटी बेची, कोई आपने सिक्योरिटी बेची, कोई आपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बेची, तो उस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, जिस भी पर्सन ने आपसे सिक्योरिटी खरीदी होगी उसको आप इंटरेस्ट पे करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। यस ऑपरेटिंग बिकॉज फॉर दिस कंपनीज इन्वेस्टमेंट इज डे टू डे एक्टिविटी, बहुत ही सही आंसर दिया चंचल ने, ठीक है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अब आपने कोई सिक्योरिटी परचेज करी, या तो आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, परचेज कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी को आपने लोन दिया, ठीक है ना, लोन दे सकते हो, लोन दोगे और लोन आपको वापस भी मिलेगा, दोनों चीजें हैं, लोन दोगे भी आप और लोन आपको वापस भी मिल जाएगा। तो ये है कुछ इनफ्लोज और आउटफ्लोज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैंने इक्विटी नहीं लिखा, देखो अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, इफ यू आर सेलिंग शेयर्स ऑफ योर कंपनी, तो चाहे आप फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ध्यान से समझना, ये एक क्वेश्चन आ सकता है और इसमें कई लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, आप कोई भी कंपनी हो, चाहे आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, अगर आप आईपीओ निकालते हो, अगर आप एफपीओ निकालते हो, आप अपने शेयर्स ऑफर करते हो किसी भी मेथड के थ्रू, अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को ऑफर कर रहे हो, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इट डज नॉट मैटर कि आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अपनी कंपनी की ओनरशिप किसी को दे रहे हो, उसके बदले आप पैसा रेस कर रहे हो, तो वो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है।
तो ये बताना था मुझे फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, जब तक यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, उससे पहले नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, देन वी विल प्रोसीड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यस इंदिरा, फाइनेंशियल कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज हैं, काफी कंपनीज के आगे लिखा होता है ना, फाइनेंस वर्ड भी लिखा होता है तो पता चल जाता है आपको। फाइनेंशियल कंपनीज, यस, चलिए। सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, देन आई थिंक वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, द इनफ्लोज, व्हाट आर द इनफ्लोज, व्हाट विल बी द आउटफ्लोज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज क्रूशियल। चलिए, सो अब बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, तीनों ही एक्टिविटीज की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इनफ्लोज क्या होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज क्या होंगे? ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, वर्ड देख लो, फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट की बात कर रहे हैं, करंट एसेट की नहीं, नॉन करंट एसेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन करंट एसेट की। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो उससे कोई पैसा आया हो। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर इश्यू करे उस पर इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये मैं अभी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया, अब मैं जनरल कंपनीज विच आर नॉन फाइनेंशियल उन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। ठीक है ना, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उस पर आपको डिविडेंड मिल गया। ठीक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, या तो आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए मतलब बॉन्ड्स खरीद ली, या फिर आपने शेयर्स खरीद लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, डिविडेंड मिला होगा, वो आपकी इनकम है। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे इनकम है वो। देन लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट रिसीव्ड, आपने कोई लोन दिया था उसकी रीपेमेंट मिल गई आपको, आपने कोई लोन दिया था। ठीक है, लोन दिया था, लोन देना भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बिकॉज आप लोन देते हो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल किसी टीनेंट को, ठीक है, किसी किराएदार को प्रॉपर्टी दे रखी है, उस पर आपको रेंटल इनकम मिल रही है। तो प्रॉपर्टी अगर आपने एज एन इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, देखो अभी मैं बता चुका हूँ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कब होती है, प्रॉपर्टी क्योंकि इंडियन एस 40 हम पढ़ चुके हैं, तो अब ये चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा बताने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप, ठीक है, ये हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग फाइनेंस में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, जब फाइनेंस स्टार्ट होगा तो उसमें डेरिवेटिव्स आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पे इन सबके मीनिंग्स आपको डिटेल में कराए जाएंगे। और आई थिंक बाकी जो लोग फाइनेंस के डेली, जो फाइनेंस 247 हमारा चलता है, फाइनेंस करंट अफेयर्स, तो जो लोग वो भी देखते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। ठीक है, तो कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट से कोई आपको कैश मिल रहा है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इनमें डील करते हो, आप ब्रोकर हो, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, उसकी बात नहीं कर रहे। बट अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपने इनमें इन्वेस्टमेंट करी है, आप इनमें ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप इसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ले रहे हो, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आउटफ्लोज। अब आउटफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, इनफ्लो देख लिए, लेकिन अब आउटफ्लो क्या क्या हो सकता है। तो इनफ्लो आउटफ्लो जनरली ऑपोजिट होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो, काफी सिंपल हो जाता है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, उस पर कोई ब्रोकरेज पे करी, तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी है, डेट है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड, आपने कोई लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है, वो आ जाएगा। कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या तो इसकी आपको रिसिप्ट होगी या इसकी पेमेंट होगी। रिसिप्ट है तो इनफ्लो, पेमेंट है तो आउटफ्लो, तो सिंपल है, लिस्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एक आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, बेसिकली इक्विटी और डेट जो होता है हमारे बिजनेस में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनफ्लोज की बात करेंगे पहले बात करेंगे इनफ्लोज की। ठीक है,
कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आपने कोई शेयर इशू करा है या कोई और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करा है, ठीक है, उससे जो आपको पैसा मिल रहा है, उससे जो आपको इक्विटी शेयर्स दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, तो ये सारे आपके फाइनेंस के ऑप्शंस ही हैं। आप बिजनेस के लिए पैसा मार्केट से ले रहे हो, ठीक है, या आपने डेट इशू कर दिया, बॉन्ड्स इशू कर दिए, डिबेंचर, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज, तो अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करा है, ठीक है, तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा। देखो, इक्विटी शेयर दोगे तो भी पैसा मिलेगा, डेट इशू करोगे तो भी पैसा मिलेगा, या फिर आपने कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो कर लिया, बैंक से बोरो कर लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने पैसा बोरो कर लिया, सो ऑल दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लोस। ठीक है, अब बात करेंगे आउटफ्लोस। देखो, आउटफ्लो तो खुद सोचो, इन सभी चीजों की रिडेम्पशन, जब भी आपने ये पैसा जो लिया है इसको जब वापिस पे करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट, एक तो वो आपका आउटफ्लो होगा, लॉजिकली सोचो, और इन पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो डिविडेंड पे करोगे, वो भी आपका आउटफ्लो होगा। तो मतलब बिना स्लाइड को देखे ही आप बता सकते हो कि आउटफ्लो क्या होगा, इतना सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो क्या है आउटफ्लोस? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे थे, आपने वापस खरीद लिया, रिडेम्पशन का मतलब यहां पे इक्विटी के लिए बायबैक होता है। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, आपने वापस इनको खरीद लिया। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स जो आपने बेसिकली लोन लिया था वो आपने वापस दे दिया, बैंक से लोन लिया था आपने वापस पेमेंट कर दी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब वो इंटरिम डिविडेंड हो कि फाइनल डिविडेंड हो, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट में आएगा, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिटेल में। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में आपने कभी भी पे कर दिया, और फाइनल एक फिक्स होता है कि भाई हम पे कर रहे हैं, इंटरिम आप बीच में कभी पे करना चाह रहे हो, कुछ प्रॉफिट्स हो गए आपको अच्छे। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो। देन कैश पेमेंट बाय अ लेसी फॉर रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिडक्शन। अब कोई लीज ले रखी है किसी पर्सन ने, ठीक है, अब वो अपनी लायबिलिटी को कम करना चाह रहा है, बिकॉज मैंने आपको फाइनेंशियल लीज जैसे होती है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में फर्क होता है। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, फाइनेंशियल लीज में आप ओनर भी बन सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ओनर बन सकते हो उस एसेट के, तो आप कुछ पेमेंट कर रहे हो ताकि आपकी लायबिलिटी कम हो जाए। ठीक है ना, तो वो भी आपका आउटफ्लो है इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, और लीज वाला जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बस इतना पता होना चाहिए आपको कि लेसी जो है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसी मतलब जिसने किसी एसेट को लिया हुआ है उधार पे, ठीक है ना। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है, अगर आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। मैं अभी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस जो स्लाइड थी, दो स्लाइड पहले। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट बोरोइंग्स पे कर रहे हो, लोन पे कर रहे हो, डिबेंचर पे कर रहे हो, ठीक है, किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे आप अगर इंटरेस्ट दे रहे हो, किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट, बोरोइंग हो, लोन हो, डिबेंचर हो, मॉर्गेज हो, ठीक है, नोट्स हो, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, ये भी डेट होते हैं, कोई भी तरीके का डेट हो, आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए हम बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीनों एक्टिविटीज आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम लोग आगे तभी बढ़ेंगे जब आप लोग बता दोगे कि आपको ये सब कुछ क्लियर है, तीनों एक्टिविटीज क्लियर है कि नहीं है। और आई थिंक जिन भी लोगों को डाउट हो रहा है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट डिविडेंड में, तो देखो मैंने एक और टेबल यहाँ पे बनाई है, आई थिंक इस टेबल से और क्लियर हो जाएगा। फाइनेंसिंग कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी बोल लो, एंड दिस इज अदर कंपनी मीन्स नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे और आपको डिस्टिंक्शन और क्लियर हो जाएगा। देखो, इंटरेस्ट पे किया है आपने, इंटरेस्ट पे किस पे किया होगा, किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे, आपने कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन अदर कंपनी के लिए वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना, अभी डिस्कस किया था। देन अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है, ये तो आपने पे किया था, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको कुछ मिला है, चाहे इंटरेस्ट मिला हो, डिविडेंड मिला हो, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है, और अदर कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने डिविडेंड दिया है, तो मैंने आपको बताया था डिविडेंड कब दोगे, अगर आपने अपने शेयर्स इशू करे, आपने आईपीओ इशू किया, एफपीओ इशू किया, आपने अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को दिए हैं,
तो आपने जब शेयर्स दिए हैं तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि लोगों ने आपको पैसा दिया है शेयर्स के बदले, है ना। तो डिविडेंड जो पे करोगे, चाहे आप फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे आप नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, दोनों के लिए ही वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, दोनों के लिए ही वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो ये अच्छे से समझ लेना डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, बिकॉज डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे कैश फ्लो में से, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, मैं बहुत ही मतलब मेजर सारी चीजें कवर कर दे रहा हूं, ऐसा हम कुछ छोड़ेंगे नहीं कि जो एग्जाम में पूछ ले, तो हम इंपॉर्टेंट चीजें सारी ही कवर करेंगे। तो यहां तक कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, यहां तक कुछ भी डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, ठीक है, यहां तक कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क। कि हमारा थोड़े बहुत टॉपिक्स ही, मतलब एक दो टॉपिक्स बचे हैं, क्वेश्चंस तो हम लोग ऑब्वियसली अगली क्लास में ही लेंगे, क्वेश्चंस आज नहीं लेंगे, एक एक टॉपिक और बचा है, बट आई थिंक इसको भी नेक्स्ट क्लास में ही ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, बिकॉज थोड़ा इसको समझाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हालांकि हमको इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करना है, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करना है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल में डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो इसको बहुत डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज फुल फ्लेज क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे भी तो वो बहुत लेंदी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होता है एग्जाम में, है ना। तो ये है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड्स होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, दीज आर टू मेथड्स फॉर यू नो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो कैश फ्लो निकालने के लिए दो मेथड्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दीज आर टू मेथड्स। थोड़ा सा मतलब इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमको होनी चाहिए, ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड क्या है इनडायरेक्ट मेथड क्या है। तो देयर आर टू मेथड्स, देखो कैश फ्लो जो आप निकालोगे तीनों एक्टिविटी से निकालोगे, देखो होता क्या है, सबसे पहले आपके पास होता है ओपनिंग कैश, ठीक है, अब वो चाहे पॉजिटिव फिगर हो चाहे नेगेटिव फिगर हो, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप नेगेटिव फिगर हो, आपका बैंक मतलब ओवरड्राफ्ट हो, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट हो, आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ओपनिंग कैश में आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल बैलेंस है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको प्लस करोगे, नेगेटिव है तो माइनस करोगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है, ओपनिंग में बेसिकली ये तीनों प्लस कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए। तो ये होता है कैश फ्लो, दिस ऑल शुड कंबाइंड शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग That one is called direct method and one is called indirect method. देखो generally majorly indirect method follow होता है, majorly indirect method follow होता है, schools में भी आपको यही पढ़ाते हैं, अगर आप लोग commerce background से हो तो आपको पता होगा 11, 12th में BCom में indirect method ही आपको पढ़ाया होगा, लेकिन more better method is direct. Direct method is more appropriate, more better, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादातर follow होता है indirect method, ठीक है, डायरेक्ट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इसको रिकमेंड भी कर रहा है स्टैंडर्ड, इंडियन AS7 रिकमेंड भी करता है कि इसको यूज करो, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट का मतलब क्या है, आपने डायरेक्टली देख लिया व्हाट आर माय कैश आइटम्स, व्हाट इज माय कैश इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज माय कैश एक्सपेंस, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फाइनल कैश फ्लो निकाल लिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीव्ड एंड ग्रॉस कैश, तो जो भी कैश रिसिप्ट है कैश पेमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम उल्टा चलते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, इट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो ये याद रखना है, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट मेथड इज टॉप डाउन अप्रोच, इनडायरेक्ट मेथड इज बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर का मतलब क्या है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो तो सबसे नीचे क्या आता है, नेट प्रॉफिट सबसे नीचे आता है ना, सबसे बॉटम में क्या आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हम प्रॉफिट से शुरू करके ऊपर जाते हैं, इसका मतलब है बॉटम अप अप्रोच।
वी विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस इज एडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर, उसमें फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं बहुत सारी नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, उनमें जो चेंज आया है, ठीक है, उन सारी चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे, ठीक है, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा और देख लेंगे इनको, बट ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। अब यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, अपने डाउट्स पूछ लो एंड देन वी विल एंड द सेशन। हाँ तो इंदिरा देखो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पांच ही कवर करने हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इंडियन एएस 2, इंडियन एएस 16, इंडियन एएस 20, नहीं 16 नहीं था आई थिंक नंबर, हाँ 16 था ना, पीपी, तो इन्वेंट्री पीपी दैट वाज 16, 21 फॉरेन एक्सचेंज, 40 वाज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड 115 वाज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये इंडियन एएस है, और जो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी के जो कंटेम्प्रेरी ओल्ड एएस हैं, उनके नंबर्स अलग होंगे, बट वो जो पांच ओल्ड एएस रहेंगे उनको भी कवर करना है, ठीक है। तो वही पांच कवर करने हैं, बाकी ये जो इंडियन एएस 7 है, जैसे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में आपको आपको स्टैंडर्ड कवर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इस टॉपिक के थ्रू कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको वो पांच ही कवर करने हैं, बोथ द ओल्ड वंस एंड द न्यू वंस। न्यू वंस तो मैंने आपको लाइव करा दिए, ओल्ड वंस की आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल गई होगी आई थिंक आपके कोर्स में होगी, नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे सेशन। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टूडे क्विकली। यू मे आस्क योर डाउट, कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। यस क्विकली, कुछ भी डाउट है गाइस पूछ सकते हो। Yes people, कोई डाउट नहीं है। If I get no replies, then I assume कि डाउट्स नहीं है, then accordingly I will end the session. वही बता रहा हूं मैं इंदिरा आपको, जो AS है उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपके कोर्स में होंगे, और अगर नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा, मैं चेक कर लूंगा, अगर आपके कोर्स में ओल्ड एएस के लेक्चर्स नहीं डले हुए हैं तो मैं डाल दूंगा। तो ओल्ड एएस भी कवर कर लेना, जो आप एएस की बात कर रहे हो उसको भी कवर कर लेना। देखो पर्सनली मुझे लगता है इंडियन एएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन हम एएस को भी छोड़ नहीं सकते, वो भी हमें कवर कर लेने चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। ठीक है, तो स्वाति एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड की आप बात कर रहे हो। देखो इंटरेस्ट कब पे करोगे, इंटरेस्ट पेड की आपने बात करी, ठीक है। अब इंटरेस्ट कब पे करोगे, फॉर एग्जांपल आपने अपने डिबेंचर्स, ठीक है, आपने बॉन्ड्स इश्यू करे, ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं, विल टेक टू एग्जांपल्स। एक हम एग्जांपल्स लेते हैं कि आप कोई फाइनेंशियल कंपनी हो, और एक हम बात करते हैं आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बॉन्ड्स इश्यू करे, ठीक है। अब फाइनेंशियल कंपनी क्या है, उसका तो काम ही यही है बॉन्ड्स खरीदना, बॉन्ड्स बेचना, सिक्योरिटीज खरीदना, सिक्योरिटीज बेचना। तो जब उसने बॉन्ड्स इश्यू करे हैं, उस बॉन्ड्स इश्यू करे हैं, देखो अगर कोई आप डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रहे हो, उसके रिटर्न में आपको क्या मिला होगा, कैश मिला होगा, लोगों ने आपके बॉन्ड्स खरीदे, आपको कैश दिया। अब आपको कैश तो मिल गया, लेकिन आप उस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे करोगे, फॉर एग्जाम्पल 8% बॉन्ड्स है, 10% बॉन्ड्स है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आप इंटरेस्ट पे करोगे,
जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, अगर मैं एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करता हूं, तो देखो नॉन फाइनेंशियल कंपनी अगर बॉन्ड्स इश्यू कर रही है तो वो पैसा रेज कर रही है। अब वो पैसा क्यों रेज कर रही है? क्योंकि उसको वो पैसा अपने बिजनेस में यूज करना है, वो उसकी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है। बॉन्ड्स खरीदना, बॉन्ड्स बेचना उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, रोज का काम नहीं है। वो तो बॉन्ड्स इसलिए इशू कर रहा है, डिबेंचर्स इसलिए इशू कर रही है ताकि वो पैसा अपने बिजनेस में लगा पाए, अपने बिजनेस की, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए वो पैसा रेज किया जा रहा है, इसलिए उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट वुड बी क्लियर स्वाति, अभी भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी फॉर एग्जाम्पल बाटा है, ठीक है, कोई भी ले लो, या वुडलैंड है, या कोई और कंपनी ले लो, अमूल है, ठीक है, मदर डेयरी है, ये कंपनीज अगर बॉन्ड्स इश्यू कर रही हैं तो वो अपने बिजनेस में उस पैसा को यूज करना चाह रहे हैं, वो कुछ बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे होंगे, कुछ भी करना चाह रहे होंगे, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल कंपनी है अगर वो बॉन्ड्स इश्यू कर रही है तो वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, बॉन्ड्स इश्यू करना, बॉन्ड्स खरीदना, ठीक है, दूसरी टाइप की सिक्योरिटीज खरीदना, सिक्योरिटीज बेचना, तो वो उसके लिए एक नॉर्मल बिजनेस है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। आई थिंक दैट आंसर दैट वुड हैव आंसर्ड योर डाउट। चलिए तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, ऑन दैट नोट वी कैन एंड द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, वील मीट अगेन ऑन मंडे। बाकी कुछ डाउट्स रह जाएंगे तो मंडे को भी पूछ लेना, बाकी ट्यूजडेज को हमारे डाउट सेशंस होते ही हैं एवरी ट्यूजडे, तो वहां पे तो आप अपने डाउट्स मैक्सिमम पूछ ही सकते हो। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। नहीं नहीं बस मैं वन ड्राइव पे डाल दूँ, आप कर लेना सर।